ये कहानी है चींटी और टिड्डा की। धीरे धीरे चींटियाँ अपने लिए ठंडियों में खाने के लिए भोजन जुटाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और टिड्डा बहुत मस्ती करता और अच्छे अच्छे फल खाता। धीरे धीरे दिन बीत गया और ठंडी भी आ गई। जब टिड्डे को ठंडी लगने लगी तो टिड्डा बहुत परेशान हुआ और चींटियों के पास गया और दरवाज़ा चींटियों पर खटखटाया। तभी चींटियाँ दरवाज़ा खोलती हैं और टिड्डा उनसे कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तभी चींटियाँ कहती हैं, नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुमने हमारा बहुत मजाक उड़ाया है। तभी टिड्डा रोने लगता है और चींटियाँ अंदर चले जाती हैं, दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और टिड्डा वहीं बाहर ठंड में रोता भी लगता रह जाता है।